हिमाचल के 5 जिलों में दूध की सप्लाई कर रही बिलासपुर की स्वयंसेवी संस्था कामधेनु हितकारी मंच अब 8.63 करोड़ रुपए की लागत प्रोजेक्ट लगाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से बजट को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत बिलासपुर जिला के 27 गांव में दुग्ध प्रशीतन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो वहीं बिलासपुर शहर के नजदीक 20,000 लीटर क्षमता का मिल्क पॉस्चराइजेशन प्लांट लगाया जाएगा। हिमाचल के 5 जिलों में दूध की सप्लाई कर रही बिलासपुर की स्वयंसेवी संस्था कामधेनु हितकारी मंच अब 8.63 करोड़ रुपए की लागत प्रोजेक्ट लगाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से बजट को मंजूरी मिल गई। इसके तहत बिलासपुर जिला के 27 गांवों में दुग्ध प्रशीतन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो वहीं बिलासपुर शहर के नजदीक 20,000 लीटर क्षमता का मिल्क पाश्चराइजेशन प्लांट लगाया जाएगा। इसके अलावा नैना देवी हल्के की बस्सी में 73 लाख की लागत से साइलेज मेकिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी, जिससे संस्था से जुड़े पशुपालकों के साथ ही क्षेत्र की जनता को पशु चारे की सस्ती सहूलियत मिलेगी। ये खुलासा बुधवार को यहाँ टूरिज्म के होटल लेकव्यू कैफे में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था के अध्यक्ष नानक चंद और सचिव जीतराम कौंडल ने किया है। उन्होंने बताया कि संस्था की ओर से राज्य सरकार के माध्यम से 9.98 करोड़ का एक प्रोजेक्ट भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय को भेजा गया था। इस प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए बीती 25 जुलाई को प्रोजेक्ट सेक्शनिंग कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें 8.63 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बिलासपुर जिला के 27 विभिन्न स्थानों पर दुग्ध प्रशीतन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, यानी एक गांव में हर दिन औसतन 500 लीटर दूध एकत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही बिलासपुर शहर के समीप 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के मिल्क पाश्चराइजेशन प्लांट लगाया जाएगा, जिसके लिए शहर के आसपास ही उपयुक्त जमीन की तलाश की जा रही है। जल्द ही जमीन चयनित कर आगामी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। दरअसल 5,26,91,000 लागत के इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति के लिए भेजा गया था, जिसके तहत 5,05,08,000 की बजट को मंजूरी मिली है। तीसरा एक और जंक्शन है मेन धर्मपुर, हम सुपाठू के बाद धर्मपुर जब निकलते हैं तो वो गंबरपुर से 23 किलोमीटर। अब गंबरपुर हम पहुंच जाएंगे, 4 लेन लगभग 80-90% काम हो चुका है। तो चंडीगढ़ वहाँ से 1 घंटे की ड्राइव। हम लोगों ने लास्ट ईयर हिमाचल प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग से मिलकर के अभी नाबार्ड की योजना है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एक गौकर्ण के नाम से वहां पर FPO बना है। और उस FPO का 7.5 करोड़ रुपए का एक हमारा प्रोजेक्ट, इस समय उसका सिविल वर्क 90% पूरा हो गया। कहां पर गंबरपुर सोलन पर हरिपुर है गांव का नाम और पंचायत है यहां पर अपने तो हरिपुर में बीजेश्वर महादेव उसी पेरीफेरी में जहाँ पर मंदिर है, मंदिर की पेरीफेरी में 8 बीघा जमीन हमने ली। अच्छा। और वहाँ पर मैंने बताया कि जो मिल्क पाश्चराइजेशन प्लांट हमने लगाया 15,000 लीटर का, उससे संस्था को बड़ा फायदा होगा। ये मैं केवल जानकारी की दृष्टि से आपसे, क्योंकि अब न माहौल नहीं आएगा, वहीं पर हम उसको प्रोसेस करेंगे। और रास्ते में जो पिपलू घाटा इसको हम न माहौल लेने के बजाय गंबरपुर लेकर के जाएंगे। मैं आप सब साथियों के ध्यान में लाना चाह रहा था, राजेश्वर जी 2010 में माननीय मुख्यमंत्री उस समय के, उन्होंने नम्होल में हमारे मिल्क पाश्चराइजेशन प्लांट का उद्घाटन किया। 5,000 लीटर पर डे उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी थी। हम आज भी श्रीमान जे पी नड्डा जी जो उस समय वन मंत्री हिमाचल प्रदेश, उन्होंने मिड हिमालय वाटर सेफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से हम लोगों को मदद करवाई। 5,000 लीटर का हमने मिल्क पाश्चराइजेशन प्लांट लगाया और उस दिन हमारी कलेक्शन थी 3,800 लीटर। नवंबर 2010, आज जुलाई 2019, 9 साल अभी होने, और आज रोज का हमारी कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन 30,000, 3800 से 30,000। मेरे प्लांट की कैपेसिटी 3,000 लीटर के 5,000 लीटर पर डे, और आज हम लोगों ने उसको अपने रिसोर्सेज से विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हिमाचल प्रदेश और प्रदेश सरकार के विभिन्न दूसरे सब लोगों की मदद लेकर उसको 30,000 लीटर पर डे की कैपेसिटी हुई बिल्डअप। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।